हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है स्टडी क्यू आर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के मैदानों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझे हैं कि मैदान क्या होता है। दोस्तों, वह रीजन जो समतल हो, सपाट हो एवं जिसकी जो ढाल है वह काफ़ी निम्न हो, यानी निम्न ढाल वाला वह क्षेत्र जो समतल एवं सपाट हो उसे हम मैदान कहते हैं। यानी कुछ इस तरह का रीजन होता है, ये आप मान सकते हो। ये समतल भी है और बिल्कुल सपाट भी है, इसकी जो ढाल है वह काफ़ी कम होती है। तो इस तरह के रीजन को हम बोलते हैं मैदान। अब हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के मैदानों के निर्माण के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, जब हमारी भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तब कहीं जाकर हमारे हिमालय का निर्माण हुआ था। ये थी हमारी यूरेशियन प्लेट और ये थी हमारी इंडियन प्लेट। क्योंकि दोस्तों, जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराई थी, तो इन दोनों की टक्कर से इनके मध्य एक खाई या गर्त बन गया था। और जब हमारे हिमालय का निर्माण हुआ और हिमालय से नदियों का उद्गम प्रारंभ हुआ, और जब ये नदियाँ बहते हुए हिमालयी भागों से आगे बढ़ रही थी, तो चूंकि ये नदियाँ हिमालयी क्षेत्रों से बढ़ते हुए अपने साथ अत्यधिक मात्रा में अवसाद लेकर आई थी, और इन अवसादों का इस खाई में जमाव हुआ और हमारे जो वर्तमान के उत्तरी भारत के मैदान हैं उनका निर्माण हुआ। तो दोस्तों, इस तरह हमें उत्तरी भारत के मैदानों का निर्माण देखने को मिला। यानी जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य टक्कर से जो खाई बनी, और उस खाई में अवसादों के जमाव से हमारे उत्तरी भारत के मैदानों का निर्माण हुआ। दोस्तों, हमारे जो उत्तरी भारत के मैदान हैं इसका जो निचला भाग है उसमें हमें प्रायद्वीपीय भारत की जो प्राचीनतम चट्टानें देखने को मिलती हैं, मतलब जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसकी प्राचीनतम चट्टानें उत्तरी भारत के मैदानों के निचले भाग में देखने को मिलती हैं। वहीं इसके ऊपरी भाग में जो अवसाद जमा हुए, तो इसलिए हमें इसके ऊपरी भाग पर हमें सलोड मृदा देखने को मिलती है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। यानी इसके निचले भाग में हमें प्रायद्वीपीय पठार की प्राचीनतम चट्टानें देखने को मिलती हैं, और साथ ही इसके जो ऊपरी भाग है उसमें हमें जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। हमारी जो उत्तरी भारत के मैदान है यहाँ पे हमें धात्विक खनिजों का अभाव देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे हमें बड़े उद्योग देखने को नहीं मिलते। हमारा जो उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र है वह मुख्य रूप से कृषि के लिए उपयुक्त है, और इसलिए यहाँ पे हमें कृषि देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं दोस्तों उत्तरी भारत के मैदानों के संरचनाओं के बारे में। जब हम हिमालयी क्षेत्र से उत्तरी मैदानों के भाग की ओर बढ़ते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो हमें कुछ संरचनाएं देखने को मिलती हैं। इसमें दोस्तों जो सबसे पहली संरचना हमें देखने को मिलती है वह मिलती है हमें भावर, भावर क्षेत्र। उसके बाद मिलता है हमें तराई क्षेत्र, और उसके बाद हमें मिलता है जलोढ़ मैदान या बाढ़ के मैदान। तो ये है कुछ इस तरह उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम हिमालय से उत्तरी मैदानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जब हिमालयी क्षेत्र से हम उत्तरी मैदानी भागों की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये हमारे उत्तरी मैदानी भाग हैं, तो जब ये नदियाँ यहाँ से निकलती हैं तो अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टान लेकर आती हैं, और चूंकि जब ये उत्तरी मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो यहाँ पे ढाल बिल्कुल निम्न होने के कारण ये बड़े चट्टानें वे आगे नहीं जा पाते, और यहीं पे इनका जमाव हो जाता है। कुछ इस तरह ये बड़ी बड़ी चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं, और इस तरह की जो संरचना हमें नदी द्वारा देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं जलोढ़ पंख। तो यहाँ पे जो हमारी नदियाँ हैं वे भावर का निर्माण करती हैं, और हमारा जो भावर क्षेत्र होता है इसमें जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, तो इसलिए इनके मध्य से हमें नदियाँ बहती हुई मिलती हैं। यानी यह क्षेत्र है, यहाँ पे हमें नदियाँ बिल्कुल दिखाई नहीं मिलती, इसलिए क्षेत्र को हम विलुप्त सरताएँ भी कहते हैं। यहाँ पे सरताएँ क्या हैं? विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि यह बड़ी बड़ी चट्टानें बस हमें दिखाई देंगी, हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये पानी कहाँ से के और किस तरह बह रहा है। इसके बाद दोस्तों जो रीजन आता है उसे हम बोलते हैं तराई क्षेत्र। यानी भावर क्षेत्र के बाद जब नदियाँ हमें पुनः रूप से दिखाई देने लगती हैं, तो उस क्षेत्र को हम बोलते हैं
तराई क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्योंकि मृदा और नमी की अत्यधिक मात्रा होती है, तो इसलिए यहाँ पे हमें फॉरेस्ट भी अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, और यही कारण है कि तराई रीजन में हमें पेपर इंडस्ट्री देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला रीजन आता है वह आता है हमारा जलोढ़ मैदान या बाढ़ के मैदान। दोस्तों जब नदियाँ भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए मैदानी भागों में और आगे बढ़ती हैं, तो इनके द्वारा आगे अवसाद लाते हुए जमा कर दिए जाते हैं, जिससे कि भावर और तराई के जो आय का रीजन है वहाँ पे हमें बाढ़ देखने को प्राय मिलती है। जैसे कि आपने सुना होगा कोसी नदी के द्वारा बिहार में लाई गई बाढ़, और पश्चिम बंगाल में जैसे दामोदर नदी। तो इसलिए इस रीजन को हम बोलते हैं बाढ़ के मैदान का क्षेत्र। और साथ ही चूँकि ये इन नदियों के द्वारा जो अवसाद लाकर जमा किए जाते हैं और जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, तो इसलिए इस क्षेत्र को हम जलोढ़ मृदा के मैदान भी कहते हैं। तो हमारी जो जलोढ़ मृदा के मैदान है वह दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसमें जो पहला होता है वह होता है बांगर और दूसरा होता है हमारा खादर। जो हमारा बांगर होता है यहाँ पे हमें पुरानी जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है, और जो खादर होता है वहाँ पे हमें नवीन जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। क्योंकि बांगर रीजन में हमें पुरानी मृदा देखने को मिलती है, इसलिए यह उपजाऊ की दृष्टि से कम उपजाऊ क्षेत्र होता है। और जो हमारा खादर होता है यहाँ पर हमें नवीन मृदा देखने को मिलती है, इसलिए यह उपजाऊ की दृष्टि से अधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो आप बांगर और खादर में कंफ्यूज होंगे कि कहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, पुरानी कहाँ पर पाई जाती है और नवीन मृदा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे बांगर यानी बाद में मतलब पुरानी मृदा, और खादर मतलब न्यू मृदा। हमारा जो खादर का रीजन होता है यहाँ पे साल भर में मतलब बाढ़ का पानी यहाँ पे पहुँचता रहता है, और हमारा जो बांगर रीजन होता है यहाँ पे बाढ़ का जो पानी है वह हमें नहीं पहुँच पाता है, इसलिए यहाँ पे हमें पुरानी मृदा देखने को मिलती है, और जो खादर रीजन है वहाँ पे हमें नवीन मृदा देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थे हमारे उत्तरी भारत के मैदान और उनके कुछ संरचनाएं, यानी कि बावर, तराई, बांगर और खादर। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि यह किन किन रीजनों में भारत में पाए जाते हैं। दोस्तों आप ये जो ऑरेंज शेडेड एरिया देख रहे हैं यह हमारे उत्तरी भारत के मैदानी भागों का रीजन है, और इनके निर्माण में जो प्रमुख नदियां भूमिका निभाती हैं वह तीन नदियां हैं। सबसे पहली है हमारी सिंधु नदी अपवाह, दूसरा है हमारा गंगा नदी अपवाह तंत्र, और तीसरा है दोस्तों हमारा ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, यानी सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र द्वारा हमारे जो उत्तर भारत के मैदान हैं उनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। इसके साथ ही दोस्तों हमारे जो उत्तरी भारत के मैदान के कुछ भागों को हम जो हमारी गंगा नदी है उसके अनुसार हम इसे उच्च गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान और मध्य गंगा मैदान भाग में भी विभाजित करके देखते हैं। तो दोस्तों आप ये यहाँ तक का क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो नेपाल है ऊपर इसके आधे तक, और जो हमारी गंगा नदी निकली है इसके जो मध्य वाला रीजन है इसे हम बोलते हैं उच्च गंगा के मैदान का क्षेत्र। इसके बाद आप यहाँ तक का आप जो रीजन इनके मध्य का जो रीजन देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम मध्य गंगा मैदान क्षेत्र। और इसके बाद आप जो वेस्ट बंगाल और यहाँ पे जो गंगा नदी का मुहाना है इस रीजन को हम बोलते हैं दोस्तों निम्न गंगा मैदानी क्षेत्र। तो दोस्तों ये थे हमारे उत्तर भारत के मैदान। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।